आयुष्मान खुराना के ड्रीम गर्ल 2, सनी पाजी की गदर 2, अक्षय कुमार के ओ माय गॉड 2 सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं मनीषा आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छे दिन वापस आ चुके हैं। लास्ट वीक गदर 2 और ओ माय गॉड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और इस वीक रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 भी ऑडियंस को थिएटर्स में खींचने में कामयाब हुई है। फिल्म ने अपने फर्स्ट डे यानी फ्राइडे को 10.69 करोड़ रुपए के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला। फिर इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे यानी सैटरडे को 14.02 करोड़ की कमाई की। वही थर्ड डे इसकी कमाई में उछाल आया और इसने 16-17 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला। ऐसे में ड्रीम गर्ल 2 ने 3 दिन यानी अपने फर्स्ट वीकेंड पर अराउंड 41 करोड़ की कमाई की है। अगर कमाई का यही सिलसिला चलता रहा तो यह फिल्म 10 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन से साफ जाहिर है कि लोगों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। वैसे आपको बता दूं कि आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी, डॉक्टर जे, अनिक और एन एक्शन हीरो जैसी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई, जिसके बाद सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि उनकी ड्रीम गर्ल 2 आखिर कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के साथ बड़ा क्लैश होने के बावजूद भी आयुष्मान की ये फिल्म टिकट विंडो पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में लॉन्ग टाइम के बाद आयुष्मान बॉक्स ऑफिस पर शानदार सक्सेस का आनंद ले रहे हैं। हिंदी फिल्मों के कई रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के बाद अब केजीएफ चैप्टर 2 का भी रिकॉर्ड गदर 2 ने ब्रेक कर लिया है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन टोटल 439.95 करोड़ की कमाई के साथ गदर 2 अब ऑफिशियली थर्ड हाईएस्ट कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। गदर 2 ने केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने सिर्फ 16 डेज में 434.70 करोड़ की कमाई की थी। वेल, गदर 2 ने अपने थर्ड सैटरडे यानी 16 डे पर 13.75 करोड़ की कमाई के साथ डबल डिजिट में वापसी की। पिछले साल जब यस स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 हिंद रिलीज हुई थी तो ये फिल्म इंडस्ट्री की सेवियर बन गई, जिसने थिएटर्स फुल कर दिए थे। वेल, अब गदर 2 ने तो जादू कर दिया है, क्योंकि ये हिंदी में 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जिसके बाद वो दो और बड़े कलेक्शन तोड़ सकती हैं, और वो है बाहुबली 2 हिंदी, जिसने 511 करोड़ की कमाई की थी, और पठान, जिसने 525 करोड़ की कमाई की थी। गदर 2 अपने थर्ड संडे अराउंड 14-15 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। सैटरडे को बॉक्स ऑफिस पर मिले जम के बाद रविवार को भी गदर 2 की कमाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। 17 डेज में सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए कमा लेगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500% ROI तक पहुंच जाएगी। बेसिकली गदर 2 का कॉस्ट है 75 करोड़, डे 17 के बाद ये 450 करोड़ तक कमाएगी। ऐसे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 375 करोड़ और परसेंटेज भी कुछ ऐसा है। ओवरऑल बात करें तो सनी पाजी की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट है। अमित राय के निर्देशन में बनी ओ माय गॉड 2 साल 2012 की सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल है। फिल्म को लेकर लंबे समय से बस था, जब रिलीज के बाद फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू तो मिले लेकिन थिएटर्स में ऑडियंस उतनी नहीं गई। एक तरफ गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर घोड़े की तरह दौड़ रही है, वही दूसरी ओर ओ माय गॉड 2 कछुए की चाल चल रही है। वेल, ओ माय गॉड 2 ने 16 डेज तक चलने के बाद टोटल 131.40 करोड़ की कमाई की थी। 17 डे यानी थर्ड संडे को यह फिल्म 3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और 17 दिनों में इसकी टोटल कमाई 134 से 135 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में ओ माय गॉड 2 जल्द ही कोई मोई प्रॉफिटेबल इंडेक्स 2023 रैंक में एंट्री कर लेगी, क्योंकि इसका कलेक्शन इसके कॉस्ट से डबल हो जाएगा और इसे हिट कहा जा सकता है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पार्टी का माहौल है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमा हॉल्स, एक्टर्स, इवन ऑडियंस के चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि गुड एंटरटेनमेंट के साथ गुड मनी एक साथ आ रहे हैं।